दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं खड़ा हूं मुंबई के फोटो फेयर 2023 में, और आज हम जानेंगे कौन से ऐसे मोस्ट पॉपुलर कैमराज हैं इस फोटो फेयर में जो बहुत धूम मचा रहे हैं। तो मैं जाने वाला हूं आज सभी स्टॉल्स में, चाहे वो कैनन का हो, निकॉन का हो, या सोनी का हो, या फूजी फिल्म का हो, और जानते हैं उनसे कि भैया कौन सा कैमरा जो है आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, कौन सा कैमरा लोग सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आया हूँ कैनन के स्टॉल में, और यहाँ पर सबसे जो पॉपुलर कैमरा मुझे नजर आया जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग इंक्वायरी कर रहे हैं वो है कैनन का R6 Mark II। तो सर थोड़ा बताएंगे कैनन R6 Mark II के बारे में क्या फीचर्स हैं, और इतनी इंक्वायरीज की है, देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ पर अभी शूट भी कर रहे थे जी। ये जैसे आप जानते हो सब लोग कि R6 Mark II जो कैमरा है, जैसे कैनन जो है वो कलर्स के लिए बहुत फेमस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैनन R6 Mark II में कलर जो है बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट की है, जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो वीडियो शूट करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि 30 मिनट्स का जो लिमिटेशन पहले रखा जाता था, तो अब आपको जो है अनलिमिटेड शूट कर सकते हो अगर आप कार्ड की कैपेसिटी अच्छी हो आपकी और बैटरी बैकअप हो, या आप डायरेक्ट प्लग इन करते हो DC चार्जर से, तो आप कंटिन्यू जो है आप वीडियो शूट कर सकते हो। अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग मिल रहा है, अनलिमिटेड रिकॉर्ड आपको मिल रहा है। दूसरी बात जो है, जो सुपर स्लो मोशन हम लोग जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर 24 फ्रेम्स से लेके आपको 180 फ्रेम्स तक सुपर स्लो मोशन के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो आप अगर कोई क्रिएटिव ज़्यादा काम करना चाहता है, अगर कुछ अच्छा क्रिएटिव अगर कंटेंट क्रिएट भी करना चाहता है, तो ये कैमरा उसके लिए सबसे बेस्ट है। फुल फ्रेम सेंसर कैमरा है, 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो दैट इज एडेड एडवांटेज, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैमराज ऑफ कैनन विद इन दिस कमिंग लास्ट 1 or 2 months। सो दिस कैमरा इज बेसिकली फॉर व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स? इट्स अ परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा, लाइक जो लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी दोनों करना चाह रहे हैं उनके लिए दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि अनलिमिटेड शूटिंग का जो ऑप्शन है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस कैमरा। एंड सेकंड थिंग इज मल्टीपल लेंसेस है इसके, फुल फ्रेम सेंसर है, डेप्थ जो होगी वो सारी चीजें इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। ओके, विद कलर मैनेजमेंट इट विल बी द बेस्ट कैमरा फॉर द एस्पिरेशनल फोटोग्राफर हु वांट टू मेक देयर करियर इन वीडियो एज वेल एज द स्टिल फोटोग्राफी। ओके, सो आप किस तरह के फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? वेडिंग, फैशन, ई-कॉमर्स, या ऑल एवरीवन? आई विल से कि कोई भी जिसको फोटोग्राफी, अच्छी क्वालिटी फोटोग्राफी का कंटेंट जो क्रिएट करना है वीडियोग्राफी में एंड स्टिल फोटोग्राफी में, दोनों तरह के फोटोग्राफर इस कैमरा को यूज कर सकते हैं एंड दे कैन गेट अ फैबुलस रिजल्ट। ओके, तो दोस्तों आपने बताया, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भैया ये जो एक परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा है फॉर फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, एंड दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी सारी फोटोग्राफी डिमांड्स को पूरा करते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो है इस कैमरे के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ा इधर शूट करने के लिए। तो अब एक सवाल है, क्या प्राइस है इसका, कुछ आइडिया है? इसका जो प्राइस है वो 243,995 प्राइस है। ओनली बॉडी? ओनली बॉडी, एंड देन यू कैन इंटरचेंज द लेंसेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वेडिंग के लिए अलग लेंसेज आप लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए, ब्लॉगिंग के लिए अलग अलग लेंसेज होते हैं, तो वैसे आप जो है इंटरचेंजेबल लेंसेज होने की वजह से आप उसको यूज कर सकते हो जैसे आपकी ज़रूरत हो। ओके, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जो है अभी ये कैमरा बहुत ज़्यादा डिमांड में है। चलते हैं दूसरे स्टॉल पर, वहाँ देखते हैं कौन सा कैमरा पॉपुलर है और क्या प्राइस में है, क्या फीचर्स वहाँ में मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं निकॉन के स्टॉल पे, और निकॉन के अंदर पूछने वाले मैं अश्विन से कि भैया कौन सा मोस्ट पॉपुलर कैमरा है निकॉन का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग है। सो अश्विनी, आप थोड़ा सा बताएंगे हमें कि कौन सा कैमरा आज आप बताने वाले हैं? सो निकॉन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डूइंग प्रीटी गुड दीस डेज, बट आई थिंक द मोस्ट सोल्ड कैमरा इन आवर लास्ट ईयर व्हाटएवर से इट्स एक्चुअली Z6 II। ओके, एंड Z6 II इज डूइंग वन ऑफ द यू नो मोस्ट लव्ड कैमरा बाय मोस्ट ऑफ द वेडिंग फोटोग्राफर्स, enthusiast and wildlife, like lot of people are using, and it's a multimedia powerhouse for a very affordable rate. Hindi mein, because apna Hindi channel hai. Z6 II ऐसा मल्टीमीडिया पावर हाउस है जिसने हर तरह के फोटोग्राफर या हर तरह के जॉनर को सपोर्ट किया है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ में हो, सिनेमा में हो। अब 12-bit ProRes शूट करता है और 4K 60p शूट करता है। इसमें 4K आपको 60p वीडियो मिल रहा है, यहाँ पे आपको आई एंड एनिमल डिटेक्शन मिल रहा है, ऑटो फोकस, 12-bit ProRes मिलता है, ठीक है, रॉ फुटेज यू कैन शूट। जी आप लॉग शूट कर सकते हैं, एंड लॉग शूट करते हैं 10-bit अगर आप शूट करना चाहें। 10-bit इंटरनली है या जैसे आपने अभी लगा रखा है? ये भी इसके साथ में ज्यादा फीचर बढ़ जाते हैं, बट ऑब्वियसली ये एक ऑप्शन है, बट अगर विदाउट इसके भी ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है, 14 फ्रेम पर सेकेंड स्टिल शूट कर सकते हैं, ISO रेंज का 6400-12000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड कैमरा, एंड स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइस।
इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट. क्या क्या प्राइस में अभी है? इसका जो MRP है 1,64,000 के आसपास है. ओके. जो MRP है, अगर आप स्ट्रीट प्राइस की बात करेंगे तो 10-15% के आप से आराम से आपको रिचार्ज. ऊपर से लॉट ऑफ हम लोग स्कीम्स चल रही हैं, तो ये सब चीज़ चलती रहती है. इससे ये बहुत ही पैकेज बहुत अच्छा बन जाता है किसी भी वेडिंग फोटोग्राफर. अगर फोटो फेयर में गए तो ये काफ़ी आपका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है. यस यस यस. एंड प्राइस का एक बड़ा फैक्टर है. सबसे अभी जिस कॉम्पिटिशन में बात करें, सबसे अच्छा प्राइस इसका इस रेंज में, इस सेक्शन, इस सेगमेंट में कोई अच्छा, इतना अच्छा प्राइस नहीं है. इसीलिए मे भी एक कारण ये भी है सेल होने का. ओके ओके ग्रेट. सो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इसमें आप अच्छे खासे वीडियो शूट कर सकते हो, अच्छे खासे इसके अंदर आप जो फोटोग्राफी कर सकते हो. सो किस तरह के फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स को टारगेट करेंगे आप या किनको लेना चाहिए? मतलब वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं इसमें, फैशन फोटोग्राफी है, पोर्ट्रेट, ई कॉमर्स, सबके लिए. सबके लिए ये मल्टीमीडिया सेटअप है. अगर आप बात करें कि प्योर सिनेमा, सीरियस सिनेमा जो कि आजकल अब चल रहा है, सब लोग रील की बात कर रहे हैं. हाँ. वो सारे फीचर्स भी हम लोग यहाँ पे, हम लोग जिस सिनेमा सेक्शन का बात कर रहे हैं, अगर आप इधर चलना चाहेंगे मैं बुझा, तो वहाँ पे हम लोगों ने इमेजिंग का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है. Okay. इमेजिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग सिर्फ कैमरा के इमेजिंग फीचर्स बता रहे हैं. वो भी इतने ज़्यादा हैं कि आप यू नो जो कि कॉम्पिटिशन में अदर मार्केट में इस समय अवेलेबल नहीं है. और उस प्राइस पॉइंट पे, प्राइस पॉइंट इज अ की थिंग एक्चुअली. प्रोडक्ट तो सब अच्छे हैं आजकल, मिररलेस कैमरा जब से आए हैं, एवरी कैमरा इज गुड, देयर इज नो कैमरा दैट बैड, बट which is coming affordable and suitable and at the same time you're getting the quality good quality. Also, yeah. Okay, so that I think it's a, that's why it's selling more. एक चीज़ और मनीष का सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँगा, निकॉन का सबसे अच्छा चीज़ ये भी है कि हमारे लेंसेज इतने ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं कम्पेयर टू मिररलेस में. जो बाकी प्रोडक्ट्स में बात करें, 35-50-85 ये सब लेंसेज, और जो अब नए ये लेंस आने लगे हैं 28-75 70-28 ये बहुत अफोर्डेबल लेंसेज हैं. Okay. अगर आप किसी और ब्रांड अदर ब्रांड्स, सो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है कि इसका एक ओवरऑल जो अगर किसी को किट बनाना है अपना. हाँ. बहुत बढ़िया कैमरा. ओके सो थैंक यू सो मच अश्विनी, आपने हमें इतना टाइम दिया. थैंक यू सो मच. अब चलते हैं अगले स्टॉल पे और देखते हैं वहाँ हमें क्या मिलने वाला है. तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ इस वक्त सोनी के स्टॉल पर और हम बात करने वाले हैं समीर से. समीर हमें बताने वाले हैं कि भैया आज एक कोई नया कैमरा जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है और उसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं. तो समीर वो कौन सा कैमरा है, हमें जल्दी से वहाँ लेके जाइए और बताइए क्या फीचर्स हैं और किस तरह के फोटोग्राफर्स को लेके वो आपने टारगेट किया है, किस तरह की फोटोग्राफी या किस तरह की वीडियोग्राफी के लिए. तो जिस कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ वो है सोनी अल्फा 7R Mark 5. ओके. तो पहले ही हमने 7 सीरीज के कुछ कैमराज लॉन्च किए हैं और जब हमने वो कैमराज लॉन्च किए उसकी वजह से जो इंडस्ट्री का ट्रेंड था वो कम्प्लीट शिफ्ट हो गया. ओके. जैसे सोनी इज अ फ्लैग बेयरर ऑफ मिररलेस टेक्नोलॉजी. सो व्हेन वी स्टार्टेड मिररलेस वी एस्टैब्लिश्ड अ माइलस्टोन एंड नाउ देन यू नो फ्रॉम मिररलेस we are upgrading and bringing in new things into this mirrorless category and also the C Pro. Okay. जब मैं इस कैमरा की बात कर रहा हूँ इसमें पहली बार एक कैमरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चिप डला हुआ है. Okay, wonderful. Usually अगर आप कैमराज की बात करें तो सेंसर के बाद मैक्सिमम प्रोसेसर. Right. जब हम प्रोसेसर की भी बात करते हैं तो सोनी कैमराज में 2 प्रोसेसर्स जो है कैमराज लगे हैं Bionzex के नाम से. बट प्रोसेसर के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चिप पहली बार सोनी अल्फा 7R Mark 5 में आ रहा है और इसका रीज़न ये है कि एक फोटोग्राफर डिफरेंट जॉनर शूट करता है. एक दिन आप आई विल जस्ट टेक यू देयर बट ओके. सो व्हेनेवर वी आर शूटिंग एज अ फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर एक दिन लैंडस्केप शूट किया, एक दिन वाइल्ड लाइफ शूट किया, किसी दिन फैशन शूट किया, किसी दिन वेडिंग शूट किया. बट फॉर अ कैमरा इट जस्ट अ फ्रेम. एब्सोल्युटली हर दिन एक फ्रेम ही देखता है. राइट. So we are putting feeling into this camera. Okay. The way you see your subject, your camera will see it exactly same way. Oh. So let me take you to an exclusive spot where we have this camera, which is over here. We have put Sony 7R Mark 5. It's yet to be launched in India, but at CEIF, we thought that people should get a chance to check it. Okay. So when we talk about this camera, you know, these are very basics. So it has an exclusive tiltable LCD. Like for example, earlier the LCDs would be like this. Right. But if you want a little bit more leeway, you could pull it out. Okay. Okay. But then this is the hardware part. Right. The hardware is not only the USB. The USB is the artificial intelligence. Okay. So now if I'm shooting a subject, camera sees a face. Camera right. sees whatever is in front of it as a frame. Right. But you can go to the camera. You could tell the camera that I am shooting a human.
and it knows now you're shooting a human. Okay. You can tell the camera, today I'm not shooting human, I'm shooting butterflies. Okay. So you tell the camera butterflies. Okay. So now you're focusing on two things, butterfly and something else. It will focus on the butterfly. Okay. Then you tell it lizard, you tell it dragonfly, you tell it snakes. Uh-huh. These things are very tough to shoot because, you know, if you're shooting a model, agar aap uska shoot kar rahe hain, you have this freedom of asking them redo. Right. You have right. this freedom of asking them, let's do it again, look towards it. Yes. You yes. can cue them. Yeah, you can direct but you them. But you can't do cue to the leopard. Right. Like leopard hunt kar raha hai aur aapse shot miss ho gaya. Aap right. leopard ko nahi bol sakte, bhai ek baar aur kar. Bilkul, bilkul, bilkul. But on the camera, you have this option that you can tell the camera, today I'm shooting leopards. Okay. Animals, birds, right. flying. You know, aircrafts, cars, F1s. So that is, you know, the USP of the camera. Okay. And I'm not only talking about the camera, I'm talking about a technology, which is artificial intelligence embedded into the camera. Okay. And because of this, the entire algorithm of shooting will change. Okay. Because at Sony, we believe in simplifying things. Right. Earlier, if you wanted to do photography or filmmaking, you needed to go into the depth of it. लेकिन right. अभी आपने कैमरा लिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कैमरा के एंड यू आर एबल टू क्रिएट गुड कंटेंट ओके सो इस कैमरा में वो फ्लेक्सिबिलिटीज है लाइक सोनी की रेंज बहुत बड़ी है Absolutely. हमारा पूरा रेंज yeah. जो लगा yeah. हुआ है यू कुड सी दैट बट इस कैमरा में ये एक और माइलस्टोन है और आप देखेंगे आने वाले टाइम में दिस विल बी लीडिंग द एंटायर मार्केट ओके सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैमरा वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट a camera which has a good sensor, good hardware, good lenses, good USPs, but it also has the capability of understanding what you're shooting. Okay. So the photographer or camera, jis nazariye se apne subject ko dekh rahe hain, wo synced hai. Apart from that AI feature, what are the other highlights of this camera? You know, this camera has this high megapixel count. Okay. And then also this camera is lightweight. So it's how many megapixels in this camera? This is 60 plus megapixels. 60 plus megapixels. So as good as any medium format camera like. Yeah, and you know, not only that, if you talk about the sensor, if you talk about the FPS, if you talk about the focusing, because all these things together make this camera very strong. Price, as far as price is concerned, can let's, you tell let's, the price? Let's expect anything between 3.5 lakh to 4, it will be in between somewhere. Okay, and when it is going to be launched in India? I am not sure, so because there are a lot of things which we have to follow. Okay, okay. And once all these processes are completed, so it will come. Okay. तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर आज हमें स्क्रीन ने बताया कि R5 जो है स्पेशली एग्जीबिशन में उन्होंने रखा है ताकि लोग यहाँ आए इसे एक्सपीरियंस कर सकें इसके सारे फीचर जो उन्होंने बताया AI जो फीचर है वो मुझे बहुत ही कमाल का लगा अब जब कभी मेरे पास ये कैमरा आएगा तो डेफिनेटली मैं उसका डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ बट थैंक यू समीर थैंक्स फॉर योर टाइम तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फूजी फिल्म के स्टॉल पर और यहाँ बात करने वाले हैं प्रत्युष से प्रत्युष जो है फूजी फिल्म हेड ऑफिस से हैं प्रत्युष हमें बताने वाले हैं कि आज जो है फोटो फेयर के अंदर या इनका अभी लेटेस्ट हॉट सेलिंग कैमरा कौन सा है तो प्रत्युष थोड़ा सा बताएंगे वो कैमरा कौन सा है क्या फीचर्स हैं और किस तरह के फोटोग्राफर्स को ध्यान में रखकर या वीडियोग्राफर्स को ध्यान में रखकर उस कैमरा को बनाया है ग्रेट मनीष जी सबसे पहले आपका स्वागत है साल के पहले फोटो फेयर में CEIF 2023 हमारे पास जो लेटेस्ट कैमरा है और जो सबसे हॉटेस्ट कैमरा है इस समय वो है फ्यूजी फिल्म का XT5 कैमरा और मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी खासियत दिखाता हूँ ये okay. एक रेट्रो फील में निकाला गया कैमरा है आपका ISO डायल शटर डायल अपर्चर डायल हर चीज़ इसमें मैनुअल है अलग से यहाँ पे दो डायल्स दिए हैं जो कि कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं ये दोनों डायल्स को आप अंदर क्लिक करके इस पर मल्टीपल फीचर्स असाइन कर सकते हैं ये एक 40 मेगापिक्सल का हाइब्रिड कैमरा है आप फोटोज़ वीडियोज़ दोनों कर सकते हैं ओके इस कैमरा पे आप 6K भी शूट कर सकते हैं 6K वीडियो आप इस पे शूट कर सकते हैं ओके 6K वीडियो जी सो दिस इज बेसिकली अ परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा फॉर फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स करेक्ट करेक्ट ओके ओके सो इसके क्या हाइलाइट्स हैं अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक क्या फीचर्स हैं इसमें इसमें फ्यूजी फिल्म का पेटेंट एक्सट्रॉन सेंसर है जो कि बहुत अच्छे कलर्स देता है फ्यूजी फिल्म रंगों के लिए जाना जाता है काफ़ी सालों से तो वो जो रंगों की हमारी परंपरा है हमने उन्हीं कलर्स को डिजिटाइज करके इस कैमरा में लगाया है और इसमें 19 फिल्म सिमुलेशन मोड्स हैं okay. तो जो कलर्स आपको फिल्म पे मिला करते थे
वही कलर्स आपको अब इस कैमरा में बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, आपको एडिटिंग करनी नहीं पड़ेगी, तो सब चीज़ें इसमें अवेलेबल। सो लाइक डायरेक्ट फ्रॉम द कैमरा यू आर गेटिंग ब्यूटीफुली कलर का कलर साइंस तो खैर फूजी फिल्म का बहुत अच्छा है, मैंने कुछ कैमराज का रिव्यू भी किया अपने चैनल पे। सो एज फार एज कलर साइंस इज कंसर्न आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कलर साइंस आती है फूजी फिल्म की। एक तो इसका प्राइस बताइए और इसके वीडियो कोडेक्स क्या क्या है, बिकॉज आजकल वीडियोज का बहुत ज़्यादा चलन है, काफ़ी सारे लोग आजकल वीडियोज भी शूट कर रहे हैं। राइट, तो ये कैमरा जो है हमारा, उसमें अगर वीडियो की बात करूँ तो H.264, H.265 ये दोनों कोडेक सपोर्ट करेगा। आप इसमें 422 या 420 दोनों चीज़ें शूट कर सकते हैं। सो 422 10 बिट, 422 10 बिट नहीं है, 422 8 बिट है। 10 बिट के लिए आप इसको अलग से मॉनिटर के थ्रू कर सकते हैं। ओके, इसमें एक USB-C पोर्ट और एक मिनी माइक्रो HDMI पोर्ट दिया हुआ है। ओके, आप उसके थ्रू इसका सिग्नल आउट ले सकते हैं। ओके, क्योंकि ये एक ज़्यादा फोटो सेंट्रिक कैमरा है तो इस पर लेकिन हम लोग वीडियोस बना सकते हैं। आपका यहाँ पे बहुत इजीली एक टॉगल बटन दिया हुआ है, स्टिल से मूवी पे आप बिल्कुल एक सेकंड में जा सकते हैं और आप डायरेक्टली यहाँ से उसको रिकॉर्डिंग में डाल सकते हैं कैमरा। ओके, तो प्रदेश क्या प्राइस है इसका अभी? तो इस फोटो फेयर के लिए एक्सक्लूसिवली हमने इसका प्राइस निकाला है 18-55 2.8 किट लेंस के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा 1.95 में। उसके साथ आपको यहाँ पे फ्रीबीज भी मिलेंगी, फ्रीबीज एक सरप्राइज है, तो ये यहाँ का आज का स्पेशल प्राइस है 1.95 ओनली। ओके, अच्छा अपार्ट फ्रॉम वीडियो कोडेक्स जो आपने बताया है, फोटोग्राफी के इसमें क्या क्या फीचर्स मिले, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है ये एंड इसका और अदर फीचर्स क्या है, ISO रेंज क्या है इसमें? ये आपका 40 मेगापिक्सल का कैमरा है, X-Front सेंसर है, उसके अलावा इसमें JPEG, HEIF और RAW तीनों फीचर्स दिए हैं। HEIF एक नया फीचर है जो हमने इंट्रोड्यूस किया हाल ही में, ये एक नए तरह का फ़ोटो का फॉर्मेट है जो JPEG और RAW के बीच में कहीं आता है। एडिट करना बहुत आसान है, ज़्यादा इमेज में क्वालिटी आपको मिलती है, ज़्यादा रेजोल्यूशन आपको मिलता है। ओके, उसके अलावा अगर मैं इसकी ISO रेंज की बात करूँ, आप 8000 से 10000 तक का ISO इसमें आराम से हिट कर सकते हैं। अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो आप बहुत अच्छे से इसमें इमेजेस कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी लेंसेज हैं जिनका अपर्चर रेंज 1 तक जा सकता है, 50mm f1 इस तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं। अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी या लो लाइट वीडियोस की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और बोके आप उससे बना सकते हैं। अगर मैं इसी कैमरे पर ISO रेंज की बात करूँ तो आप मिनिमम 100 और मैक्सिमम आप इसमें 51,000 तक के ISO तक जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा हमेशा ISO कम इस्तेमाल किया करें। ओके, एक क्वेश्चन और है प्रत्युष का, हम जो है ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। वो ये देखिए, बहुत सारे लोगों को, मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने, कई बार इंक्वायरी आती है कि यार इतना जो प्राइस है इसमें हमें एक फुल फ्रेम कैमरा मिल जाता है, देन वाई वी शुड गो फॉर फूजी फिल्म जो कि एक नॉन फुल फ्रेम कैमरा है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि यार फुल फ्रेम है नॉन फुल फ्रेम है, क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या लाइक इट्स द सेम थिंग? ट्रू। ओके, देखिए फुल फ्रेम एक बड़ा सेंसर है, मैं इसके लिए डिनाई नहीं करूँगा। सवाल ये उठता है कि हमारी फोटोग्राफी की ज़रूरतें कैसी हैं। क्या एक डिवाइस हमारी ज़रूरत पूरा करती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ निर्भर करती है। तो अगर मैं बात करूँ एक आधुनिक युग के मिररलेस APS-C सेंसर कैमरा के बारे में, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा ना कर सके। ओके, अगर मैं लेंसेज की बात करूँ या फोकल रेंज की बात करूँ, सारे लेंसेज इसके फुल फ्रेम के हिसाब से बनाए गए हैं। आप 35mm इक्विवेलेंट लेंसेज इसमें इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जो रेंज या जो अपर्चर रेंजेस आपको एक फुल फ्रेम कैमरा पे मिलती हैं, वैसी ही रेंज, वैसी ही क्वालिटी, वैसी ही इमेज क्वालिटी, लाइट, ऑप्टिक्स, कलर, शार्पनेस, सब चीज़ें आपको फुल फ्रेम जैसी ही मिलती हैं। फ़ायदा एक और ये है, सेंसर छोटा होने की वजह से हम उसको इजीली मैकेनिकली स्टेबलाइज कर सकते हैं। ओके, ओके, उसको स्टेबलाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। कॉम्पैक्ट बॉडी होने की वजह से कैमरा लाइट वेट हो जाता है, और क्योंकि कैमरा कॉम्पैक्ट है तो वो बैटरी भी कम कंज्यूम करेगा। ये सारे कुछ उसके एंड स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग वीडियोस, तो आप हैंडहेल्ड भी शॉट्स अच्छे ले सकते हैं, स्पेशली बी रोल्स हैं ये सब चीज़ें। जी, अब क्योंकि आपने यहाँ पे हैंडहेल्ड वीडियो की बात की है, तो इस कैमरा में आपका एक 5-axis स्टेबलाइजर दिया है, लेंस पे भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो लेंस का OIS और कैमरे का IBS इस्तेमाल करने के बाद भी एक DIS ऑन कर सकते हैं कैमरा के अंदर। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो गिम्बल की ज़रूरत ऑलमोस्ट ना के बराबर आ जाती है। आप बहुत इजीली कैमरा को ऐसे पकड़ के आराम से उससे आप शूट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी
इस कैमरा में हमने टिल्ट स्क्रीन वापस इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो टिल्ट स्क्रीन का फ़ायदा ये है कि आप इसको इस तरह से कुछ रख के आराम से वीडियोस बना सकते हैं लो एंगल पे स्क्रीन को देखते हुए। ओके, तो दोस्तों ये था फूजी फिल्म XT5 जो कि आज प्रत्युष ने बताया बहुत ही इनका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और फोटो फेयर में काफ़ी धूम मचाई है इसने। अब आपका इस कैमरे के बारे में क्या ख्याल है, या मैंने जो और सारे कैमरे दिखाए आपको कौन सा कैमरा सबसे अच्छा लगा कमेंट करके मुझे आप मुझे ज़रूर बताएगा। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। और आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। Thanks for watching.